हेलो और नमस्ते एवरीवन। भाई आज क्या सेक्सी फाइट सी, मतलब मजा आ गया। और मेरी सारी प्रिडिक्शन सही होगी तो मेरे को तो और भी अच्छा लग रहा है। तो ये वाली वीडियो है UFC 275 रिएक्शन की। फर्स्ट हम बात करेंगे जोंग वेली वर्सेस योना जेचेक की। तो जैसे मैंने प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बोला था, सेम वैसा हुआ। वेली काफी स्पीड एंड पावरफुल दिखी अगेंस्ट योना, और दूसरी तरफ योना अपनी टाइमिंग फाइंड करने में स्ट्रगल कर रही थी। यही होती है रिंग रस्ट, जब तुम इतने ज्यादा टाइम से फाइट ना करो तो तुम्हारी टाइमिंग इतनी एक्यूरेट नहीं बैठती। तो इस फाइट के दो की पॉइंट्स जो नोटिस किए वो थे, जब भी योना लेग किक मार रही थी, वेली उसको एकदम से काउंटर कर रही थी बाय पंचिंग हर ऑन द हेड, और यही सेम चीज इनकी प्रीवियस फाइट में भी हुई थी। और सेकंड मेन चीज थी वेली की रेसलिंग। तो रेसलिंग के बाद वेली जो बीट डाउन कर रही थी योना का बाय पंचेस एंड एल्बो, वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। मुझे तो योना जेचेक की टाइमिंग एंड ग्रिप दोनों ही काफी ज्यादा ऑफ लगी आज। और एंड में जो स्पिनिंग बैक फिस्ट नॉकआउट, ओ भाई हर कुछ, मैं तो थोड़ी देर शॉक में था। नो एक्स्ट्रा पंचेस थ्रोन, नथिंग, सिर्फ एक पंच से नॉकआउट। तो नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं जो थी को मेन इवेंट वेलेंटिना शेवचेंको और टायला सैंटोस के बीच। इस फाइट से तो मैं सबसे ज्यादा शॉक में था, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वेलेंटिना शेवचेंको स्प्लिट डिसीजन से जीतेगी। ये फाइट इतनी ज्यादा क्लोज जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। इस फाइट में क्लियर डिफरेंस था दोनों फाइटर्स की पावर में। टायला सैंटोस ने मैक्सिमम टाइम वेलेंटिना को क्लिंच और रेसलिंग दोनों में आउट मसल करके बेटर स्ट्रेंथ दिखाई। एक बात मुझे समझ नहीं आई, वेलेंटिना वॉज लुकिंग वेरी गुड जब दोनों के बीच स्टैंड अप फाइट हो रही थी, देन व्हाई वेलेंटिना वॉज ट्राइंग टू ग्रैपल हर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ये ग्रैपल टायला सैंटोस जीत रही थी। ये फाइट भी टायला सैंटोस जीत जाती, बट अनफॉर्चुनेटली हमें क्लैश ऑफ हेड्स देखने को मिला, वो भी दो बार, जिसकी वजह से टायला सैंटोस की राइट आई पूरी तरह से शट डाउन हो गई थी, जिसका फायदा मिला वेलेंटिना को। ओवरऑल काफी क्लोज एंड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फाइट थी। तो आज की फाइनल मेन इवेंट फाइट पे आते हैं, जो थी ग्लोवर टिशेरा वर्सेस जीरी प्रोहास्का के बीच। भाई क्या गदर फाइट थी ये। 42 इयर्स ओल्ड होने के बाद भी ग्लोवर ने जीरी प्रोहास्का के पंचेस को एब्सॉर्ब किया और फिर उसके बाद खुद से काउंटर भी किया। तो फाइट से पहले ऑलमोस्ट ये क्लियर था कि अगर विन बाय सबमिशन हुई तो ग्लोवर जीतेगा, और अगर विन बाय नॉकआउट हुआ तो जीरी प्रोहास्का जीतेगा। बट हुआ इसका कंप्लीट ऑपोजिट। बट पहले की तीन राउंड्स में जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ग्राउंड गेम में ग्लोवर ने जीरी को डोमिनेट किया, और स्टैंड अप में जीरी प्रोहास्का ने बुरी हालत कर दी थी ग्लोवर की। बट आफ्टर थर्ड राउंड ग्लोवर ने जो लायन हार्ट दिखाया भाई, ही स्टार्टेड बॉक्सिंग एंड ही ऑलमोस्ट नॉक्ड आउट जीरी प्रोहास्का। इसमें जीरी प्रोहास्का की आयरन चिन को भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लोवर काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस मार रहा था। तो फिफ्थ राउंड के एंड तक ये क्लियर हो गया था कि ग्लोवर जीत रहा है, बट लास्ट के 40 सेकंड्स में जीरी प्रोहास्का ने सबमिशन अटेम्प्ट किया एंड ही रियली चोक्ड आउट ग्लोवर टिशेरा। ग्लोवर भाई इतना ज्यादा क्लोज था विन के, बट स्टिल ही लॉस्ट। अब ये नहीं पता कि ग्लोवर डिस्ट्रैक्ट हुआ या उसको लगा कि वो जीत ही तो गया है, क्योंकि जीरी प्रोहास्का ने ग्लोवर के ही स्ट्रॉन्ग एरिया में उसको हरा दिया। एंड ऑल क्रेडिट्स टू जीरी प्रोहास्का, भाई उसको पता था कि वो फाइट हार रहा है, स्टिल उसने गिव अप नहीं किया और ग्लोवर को सबमिट कर दिया, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। ओवरऑल ये तीनों फाइट्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, और भाई जो मैंने फाइटर्स पिक किए थे वही जीते हैं, तो मुझे तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियोस के लिए प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।